वास्ते की आवाज भाई मंगा सिंह अक्सर ये साडे नाल गल्लां बातां करदे ने, चिंतित भी ने ते दुखी भी होंदे ने गुरुद्वारिया के प्रबंध नूं वेख के। मैं पिछले दिन ही अमेरिका गया तो सज्जन जिहड़े मैनूं लैके जा रहे सी ना, कहिंदे भाई साहब तुहानूं कॉफी पिआउणी, उन्हें स्टार पक के उत्थे कॉफी लैनी शुरू करती। हुण साडा काम हुंदा ग्यानियां दा उंगणा इत्थे की है, वो जिहड़ा कॉफी देण वाला सी उहदे अगे इक गोलक पई हुई सी, वो जिहड़ा कॉफी लवे उहदे च डॉलर पा लो। ते मैं उन्हें पूछया कि ये जिहड़े डॉलर तुसीं बिल तां उधर दे रहे हो, आ जिहड़ी गोलक लगी इहदे च पैसे क्यों पा रहे हो, ये कहदे पैसे उड़े सी ने कोई? कहिंदे नहीं। मैं क्या फिर ये क्यों? कहिंदे जिन्हां ने कॉफी की ये फर्म खोली है ना, उन्होंने एक डब्बा लाया हुआ वा कि जिन्होंने कॉफी चंगी लगती है खुशी वजू डॉलर पा देंगे ने। मैं क्या फिर वो डॉलर नू की करते हो? कहिंदे जिहड़े तनखाहदार मुलाजम ने इन्हां चों वंड देईदे। मैं क्या बड़ी चंगी गल, मुलाजम ये वंड लेंदे आपस विच जिहड़े काम करन वाले। ते जदों मैं गुरुद्वारे आया आउंदिआं ही किसी ने मैनू ये नहीं पुछया भाई साहब कित्थों आए हो, जल पानी छकोगे? परिवार अजे आया नहीं, तुसीं बैठो असीं उत्थे तैयारी करदे। उन्हां च कोई नहीं आया जी गुरुद्वारे च, एक मुंडू जे आके बच्चा जे आके कहिंदा कीर्तन तुसीं करना? मैं कहा जी। कहिंदा फिर गोलक दे पैसे गिण के सानू दे दो, उत्थे रसीद कटनी नहीं ते असीं गिणांगे। धमकी नहीं दिओगे ते असीं गिणांगे, आ जिहड़े तुसीं मैनूं पैसे दित्ते हो कीर्तन करदे। ये हालात ने गुरुद्वारिया के कि कॉफी हट तो भी असी थले लिया गुरुद्वारा सिस्टम भी अपने कथा कीर्तन करने वाले कि जलील करते हैं। ये मैं सी जिन्हें दरबार साहब की नौकरी तक की परवाह नहीं की, सच बोलन लग्या तो जेड़े इन्होंने प्रबंध च कीर्तन करते हो कि जलील हो गए, कितों बचण गए तुहाडे बच्चे कीर्तन, कितों बना लोगे सिख? तो जे मैं इन्हां प्रबंधकां नूं लाइन च खड़ा करके पूछा जपजी साहब का पाठ सुनाओ, आउंदा है? अमृत छकिया ते किसी को पंज विकार नहीं होने जे चेक कर लिए, जदों की गोलक च पैसे वखरे पा रहे हो तुसीं पर कीर्तन लई मैनूं वख दे रहे हो। पर उह कहिंदे जिहड़े कीर्तन वाले ने उह वी सानूं तुसीं दे के जाओगे, नहीं तां सानूं लैणे आउंदे ने। ये हद नहीं, हद तो भी अगे निकल गया काम, इतने ब्रैडू मंत्रा तो भी अगे चलिया गया। यह गुरुद्वारा साहब रह गया गुरुद्वारा, यह हुण कौन ठीक करो किवें हो? भी असी तो लोगों को गल ना लाने सीते, असी अपने जलील कर। इसलिए बेनती करांगा सुचेत हो अपने गुरु धाम मित्रां दे क्यों हो गए, क्योंकि साढ़े न्याणे गुरुद्वारिया तों बाहर चले गए जिहड़े सिक्खी नाल वाह वास्ता नहीं सी, उन्हां गोल खाण लई ढंग लभ लए। ते मैं ते ना शब्द भी सुनिया नानक सर, नानक सर च मैं कदे नहीं वेख्या भाई साहब। इस तरह नानक सर नाम तां है पर अपने गोल जाणी, हाँ नानक सर दा जदों नाम आउंदा है उत्थे ते गोल की है नहीं, कहिंदे गोल हुंदी नहीं। इतने की है जी जेड़े कीर्तन करने वाले संगत दिंदी है वह भी चुप के गोल विच पा के जाओ जी, तो फिर इतने फटा दे के लाओ ना भी रागी सिंह पैसे नहीं देने। फिर नानक सर भी लिखण की लोड़ क्यों? साढ़े बाबा जी तो आए कीर्तनिया का इतना सत्कार करते, खुले गफे दे के तो स्पीकर बंद कर दते हैं, स्पीकर बंद कर, लाइट बंद कर दे। सच्चाई सच्चाई ने कोई रोक नहीं सकता। ते ए तुसी जिथे खड़े हो भाई साहब भाई मंगा सिंह जी उते गुरु ने बड़ियां बख्शिशां कीतियां, सतगुरु साडे नाल ने, चढ़दी कला च आओ सारे आपां लाभबंद होईए, इस सिस्टम नूं ठीक करिए तां कि साडे कीर्तनियां दा मान सन्मान बहाल रह सके। सिर्फ अरदास होणी है और अरदास करो बेअंत आप जी वधाईयां होण जी। एक शब्द मैं पढ़ के संपूर्णता कर दिया, गुरु रामदास जी नूं याद कर दिया, सतगुरु बख्शिशा कर तुसी खुशियां खेड़े, ये भी ध्यान रखियो कि असी इसनूं वधिया काम करके चले माड़ा नहीं, क्योंकि साढ़े मगरों जिहड़े जलील होने सी उन्हां नूं मान सन्मान मिलो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु।